हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। तो एक आर्मी की टुकड़ी जिसमें कि 616 मेंबर हैं, उसे मार्च करना है एक आर्मी बैंड को, मतलब आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है उसे, जिसमें कि कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों ग्रुप्स को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, मतलब दोनों के दोनों ग्रुप्स अगर मार्च करते तो उनके कॉलम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब काउंट नंबर कैसे होना चाहिए उनका, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको निकालने हैं इन विच दे कैन मार्च, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स हो सकते हैं जिसमें कि वे दोनों मार्च कर सकें, ये आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इक्विलेट्स डिवीज़न लेम्मा का यूज़ करेंगे। तो उसके कंक्लूजन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। कंक्लूजन क्या था आपका, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए और बी आपके कैसे थे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, क्यू आपका क्वेश्चन था, आर रिमाइंडर था, और रिमाइंडर पे भी एक कंडीशन थी कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के इक्वल हो सकता है, तो ये कंडीशन फुलफिल होती थी। तो यहाँ पे आपके दो डिजिट्स हैं, दो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, 616 और 32, दोनों में लार्जर कौन सा है, 616 आपका लार्जर है। तो क्या करेंगे, 616 यानी कि 616 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी तरह से आप एचसीएफ निकालेंगे। तो 32 वनजा कितना आएगा आपका, यहाँ पे 32 माइनस करके आपका यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, 11 माइनस 2 लिखेंगे तो आपका आएगा 9, और 5 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 2, ऊपर से आपने लिखा 6, अब तक 32 नाइनजा ये आपका कितना आता है, 288, इससे माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है, 16 माइनस 8 कितना हो जाता है आपका, 8 हो जाता है। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 यहाँ पे छोटा है, 32 बड़ा नंबर है। तो आपने लम्मा की हेल्प से लिखना है डिवाइडेंड, यानी कि 616 इज इक्वल्स टू डिवाइजर यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट यानी कि 19 प्लस में रिमाइंडर, मतलब आप यहाँ लिखेंगे 8 को लिखेंगे। तो आपने लिख लिया लम्मा की हेल्प से। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका, जो अभी तक आपका डिवाइजर था, मतलब कि 32 आपका डिवाइजर था, वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और 8 अभी तक रिमाइंडर था तो वो क्या बन जाएगा आपका, डिवाइजर बन जाएगा। तो 8 4 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 32। इस केस में आपका रिमाइंडर बचता है 0, अब आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 32 इज इक्वल्स टू आपका डिवाइजर है यहाँ पे 8, 4 आपका है क्वेश्चन, और प्लस में 0 आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में आपके सिर्फ दो स्टेप्स बनते हैं, और दूसरा स्टेप आपका लास्ट स्टेप है जिसमें कि आपका डिवाइजर क्या है, 8, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 8 है, और यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है कि 8 आपका क्या है, डिवाइजर है। तो लास्ट स्टेप के अंदर जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका क्या आता है, एचसीएफ लेम्मा के अकॉर्डिंग। तो आपका एचसीएफ यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने आएंगे, 8 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें ये दोनों ग्रुप क्या कर सकते हैं, मार्ज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐसे तो समझ लिया है न्यूमेरिकली, अगर इसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कितने हैं, ये 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं जो कि मैक्सिमम है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स मैंने बना लिए, टोटल मेंबर्स बैंड के मेंबर्स कितने थे आपके, 32, और आपके पास जो आर्मी की टुकड़ी के मेंबर्स थे वो कितने थे, टोटल मिला के 616 मेंबर्स थे। तो अगर हम इन 8 कॉलम्स के अंदर 4 4 4 मेंबर्स डाल देते हैं हर एक कॉलम के अंदर, तो 4 8 जो आपका लास्ट में कितना हो जाता है, पूरा का पूरा 32 हो जाता है। मैंने सभी को नहीं लिखा, आपको सिर्फ शो करने के लिए बताया है, ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। तो 4 8 जो आपके कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 32, और उनके पीछे मार्च कौन कर रहे हैं, आर्मी की टुकड़ी के मेंबर कर रहे हैं। अब इसमें 616 मेंबर थे, और हर एक कॉलम में आपने कितने मेंबर्स डालने कि 8 कॉलम यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसे करके देख सकते हैं कि 77 मेंबर्स आपके होंगे जो कि हर एक कॉलम के अंदर होंगे, आर्मी की टुकड़ी के मेंबर्स होंगे, क्योंकि 77 8 जो अगर आप करते हो लास्ट में, यहाँ पे भी आप 77 मेंबर्स डालते हो तो आपके कितने हो जाते हैं, 616 मेंबर्स। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।